हमारे साथ हैं अशोक नरवाल जी। इनकी खासियत यह है कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के जितने भी अफसर हैं वो सारे के सारे ही जितने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप की मेंटेनेंस और उसको चलाने का काम नरवाल जी करते हैं। नरवाल जी, ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि सारे जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक साथ लेके आने का? देखिए सर, जो भी बड़ी क्रांति हुई है या ब्रॉडर लेवल पे जो काम किया जा सकता है, वो सपोज कोई स्टेट का डीजीपी है, सेक्रेटरी है या बहुत बड़े लेवल का आदमी है, उसका इम्पैक्ट सामाजिक मिशन में ज़्यादा होता है। तो इसलिए मेरे मन में विचार आया कि अगर हम बड़े लोगों को बाबा साहब के मिशन की तरफ, विजन की तरफ अगर जागरूक कर सकें तो उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट हमें मिल सकता है। आपने कोई उनको इकट्ठा करके कोई सामूहिक कार्यक्रम लगाने का भी कोई सोचा है? हाँ, हमने एक प्रोग्राम सोनीपत में लगाया था और एक फरीदाबाद में लगाया था और उसके बाद हम तीसरे और प्रोग्राम के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है कि उससे आपस में लोगों में संवाद और वार्तालाप होता है? बिल्कुल होता है। जो ग्रुपों में आपस में लोग जुड़े हुए हैं, आपस में भाईचारा पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा होता है और समाज के लिए कार्य करने की, एक दूसरे के हेल्प करने की भावना पैदा होती है। आपके ग्रुप में जो ये टीम 22 की वीडियोस आती हैं, आप देखते हैं उन्हें? यस, हम देखते हैं उनको। उनमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कुछ बताएंगे? उसमें टीम 21 जो आप इतिहास के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में या सम्राट अशोक के बारे में या बाबा साहब के विजन के बारे में जो आप बताते हो, वो लोगों को काफ़ी अंदर तक पहुंचता है और उनको रियल जानकारी मिलती है जो कि पहले हमारे लोगों को नहीं थी। तो अभी जो आपकी इम्प्रूवमेंट है ग्रुप में, जो आप बढ़ा रहे हैं, आगे कोई प्लान है आपका कुछ और? आगे है कि जैसे जैसे आप जैसे महान लोग जो कि पूरे देश को जागरूक कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पूरे देश के ऐसे लोग जो देश के लोगों को, हमारे खासकर दबे कुछ लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं, वो एक दूसरे से जुड़े और विचारों का आदान प्रदान हो ताकि एक कलेक्टिव फोर्स के रूप में इस देश में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।